जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल एंटीजेट साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, अगर आप भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं और आपका भी एग्जाम 2025 में है तो भैया चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक ना। ट्वेल्थ की और सभी तैयारी इस चैनल पर होती है, ठीक ना। और आप बिहार बोर्ड के ट्वेल्थ का अब तक एकदम नोट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिए, एकदम एक भी रुपया नहीं देना है, तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, पूरा नोट मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम बात करने आए, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया अब बहुत ही ज़्यादा आपके पास कम समय है और कुछ याद नहीं होता है, सब्जेक्टिव कुछ याद नहीं होता है, आपने कैसे किया, याद करने के लिए कुछ बेहतर टिप्स बताइए, कैसे याद होगा। तो एक बात मेरे भाई समझ लीजिए, देखिए भैया, अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है ना, अच्छा रिजल्ट, तो आपको क्या है कि दूसरा पर्सन से आपको हार्ड वर्क यानी कहे कर तो मेहनत ज़्यादा थोड़ा करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मेहनत अच्छा से हो, तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि हमको बहुत बार याद रहे, लॉन्ग टाइम तक याद रहे ना, इसके लिए सबसे बेस्ट 3-4 टिप्स बता रहे हैं। और इस तीन चार टिप्स को फॉलो कीजिएगा ना, बेहतर से बेहतर याद कीजिएगा। देखिए, हम अभी ट्वेल्थ में याद किए तो उसी हम इतना अच्छा अभी तक पूरा बात याद है। हम कहेंगे तो कहते हैं ना, हम पूरा खड़ा हो जाएंगे, 4 घंटा पूरा फिजिक्स बोलने के इतना औकात रखते हैं, 4 घंटा पूरा फिजिक्स बोल देंगे, 4 घंटा पूरा केमिस्ट्री बोल देंगे, यानी कि पूरा माइंड में पूरा सेट है, भिंडी एकदम समझ लीजिए माइंड में चल रहा है, कहाँ पर क्या था पूरा बात याद है। तो कैसे होगा हम आपको ये बात बताने आए, ठीक ना। तो पहले समझ लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है भैया, आपका क्वेश्चन यही है कि आपको याद कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास कम है समय, तो समय बहुत ही कम है, याद कैसे होगा। तो सुनिए, एक बात कीजिए, अगर आप कोचिंग करते हैं या ना करते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका बेहतर रिजल्ट लाना है तो आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है। शॉर्ट नोट्स या तो आप बना लीजिए आपसे हो पा रहा है तो, और नहीं हो पा रहा है तो हमारा वाला शॉर्ट नोट टेलीग्राम पर एकदम डाला हुआ है, वहाँ से लीजिए और पढ़िए। लेकिन बेहतर रिजल्ट लाने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना पड़ेगा, इस बात को याद रख लीजिए, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, एकदम याद पढ़ना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स, या खुद बनाइएगा बेहतर होगा, एकदम बेस्ट होगा। और उससे अगर आप नहीं बना पाते हैं तो हमारे वाला शॉर्ट नोट्स लेकर उसको पूरा पढ़िए डेली। अब क्या करना है, आप 6 महीना क्या करना है आपको कि सोने से पहले आधा घंटा हमारा शॉर्ट नोट्स को एकदम पढ़ना है हरेक हाल में, और उठने के बाद एकदम आधा घंटा शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है। दो टाइम केवल पढ़ना है, सोने के पहले और उठने के बाद, जाने के बाद, ये दो टाइम पढ़िए और बिल्कुल पढ़िए, 6 महीना लगातार पढ़िए, 110% कहते हैं आपको पूरा का पूरा एकदम याद हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट में इस तरीका से कवरेज किए हैं ना कि सारा के सारा बात पूरा उसमें कवर हो गया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको पूरा अच्छा रिजल्ट लाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बना पाते तो मेरा वाला लेकर पढ़ना पड़ेगा, ये बात समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद ये पहला बात बताया शॉर्ट नोट्स, दूसरा का बात बता रहा है कि आप थोड़ा सा अब अकेलापन रहना सीखिए भैया। अकेलापन रहने के लिए मतलब है कि खुद को, आदमी का सबसे बड़का जो, अगर हम लोग है ना, सबसे बड़का अगर कोई किताब है तो हम लोग स्वयं है। अगर आप सबसे प्रॉब्लम कर रहे हैं, सबसे बड़का किताब आपको स्वयं है, स्वयं को समझ लीजिएगा। अगर आप स्वयं को समझ लीजिएगा ना, सब समस्या का समाधान मिल जाएगा, ये समझ लीजिए। सबसे बड़ा जो किताब होता है हम लोग स्वयं होते हैं, और खुद को आप समझ लीजिएगा ना तो सारा समस्या का हल हो जाएगा। क्योंकि आप अगर खुद को समझ लिए ना तो दुखी की घड़ी में ना दुख रह पाएंगे, ना खुशी घड़ी में ना खुश हो पाएंगे, यानी कि एकदम मॉडरेट रहेंगे। तो वही बात कर रहे भैया कि एकदम अगर आपको खुद को समझना है, खुद अलग रहिए और खुद को कोई चीज एक्सप्लेन कीजिए, और खुद को जो चीज एक्सप्लेन कर देंगे ना, हम गारंटी लेते हैं इसका 110% कभी मत भूलिएगा, कभी भूल ना करिएगा, हमको मालूम है। खुद से थोड़ा बात करने का प्रयास कीजिए कि वही खुद कैसे बात करना बता रहे, यानी कि एक बार याद कर लीजिए कॉपी में से। दूसरा का बात कि आप दीवार पर, हम दिखाए हैं वीडियो भी दिखाए हैं कि जो भी नोट्स होगा दीवार पर ले लीजिए, चिपका दीजिए उसको, लिख उसमें इंपॉर्टेंट वाला को दीवार पर एकदम चिपका दीजिए, और क्या कीजिए उसमें यहाँ पर खड़ा हो जाइए और आराम से बोलिए, हाँ हमने पढ़ा था पॉलीमर यानी बहुलक पढ़ा था, अच्छा बहुलक क्या होता है, बहुलीकरण क्या होता है, अच्छा ऊपर कीजिए, यानी कि पूरा बोलिए, खुद को समझाइए, कोई दूसरा समझाने की कोई जरूरत ना है, खुद को एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद आप देखिए कभी मत भूलिएगा, और चूंकि कभी भूलवे नहीं कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा। तो हम तो बता रहे हैं भैया, देखिए जिसको करना होता है उसके पास कोई बहाने नहीं होता है, जिसको ना करना होता है उसके पास 1000 बहाने होता है। तो ये बात समझ लीजिए, जिसको करना है उसको लिए कोई बहाना ही नहीं, वो तुम कहते हो उतना करता है, करने वाले भाई कर भी रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक ना। इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये तो करना पड़ेगा, उसके बाद ये शॉर्ट नोट्स पढ़ना पड़ेगा, दूसरा का रिविजन के लिए जो दीवार पर चिपकाए बताए टिप्स अपनाना पड़ेगा। तीसरा बात, आप थोड़ा सा आप क्या कीजिए कि अब सोने से पहले जरूर पढ़ना है शॉर्ट नोट्स, और उसके बाद क्या पढ़ना जाने से पहले आराम से, यानी कि जाने के बाद आधा घंटा जरूर पढ़ना, दो टाइम पढ़िए शॉर्ट नोट्स में, एकदम गड़ता हो जाएगा। क्योंकि बार बार शॉर्ट नोट्स में क्या है कि सारा बात का कवरेज किया गया है कि फलना इंपॉर्टेंट बात है, वो पूरा माइंड में
बराबर तरह डाउनलोड होते रहो मेमोरी में ठीक ना। समझ ना लो एकदम एक पावर बढ़ावा ना मर कितना पावर है जितना मन जितना तू कर सके जाएगा ठीक ना। तो ये सब तूने करा थोड़ा प्रयास करा यार अच्छा से याद करा। देखा डेली ये बात ना बता कि याद ना हो तू वह कर रहा जरा करे के पास कोई बहाना ना हो करे वाला कर रहा है जे न करे भाई थोड़ा करवा रहा तो बात लेकिन तुम बता दू जल्दी बात ये न करे के पास बहाना रहे याद ना हो बड़ा लंबा लंबा लैंग्वेज ये सब कुछ ना बहुत है भाई जब अभी तक पूरा खत्म कर दे होते तो सुना ये बात बता रहा भैया रियली बता रहा अगर अच्छा से पढ़ेगा अच्छा से नंबर लाएगा तो ये काम करिया बुक बुक बताइए जो सारा बुक फॉलो करिया आराम से करा कोई दिक्कत नहीं यार। हौसला रखा ना कोई भी चीज के बड़ा टारगेट लाने का हौसला रखे गए हौसला रखे लक्ष्य को पाने के लिए सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए तो भाई हौसला रखे ना बड़ा सा यार थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखिए हौसला रखे बड़ा सा एकदम बढ़िया से बढ़िया ठीक ना। तो ये सब करना भैया याद करने के लिए यही हम कहेंगे कि आप सबसे पहले अपना कॉपी को थोड़ा याद कर लीजिए ठीक है। उसके बाद हमारा नोट्स जरूर पढ़िएगा डेली पढ़ना है सोने के बाद और सोने के पहले और जागने के बाद डेली पढ़ना है। उसके बाद ये क्या बोले कि दीवार पर चिपका के रिविजन वाला टिप्स डेली अपनाइए इसके अलावा कुछ नहीं करना का है। आप गारंटी कहते हैं एक सप्ताह में क्या तीन चार दिन के अंदर फर्क मिलने लगा आपको एक सप्ताह में पूरा देखिए एकदम धुरंधर बन जाएंगे। आप ये कमेंट कीजिएगा भैया याद ना होता आपने मन कहिए भैया भूलने ना करते आप ये कमेंट कीजिएगा भैया क्या भूलिए नहीं रहे बता रहे ना रियली बता रहे चार घंटा में पूरा फिजिक्स बोल देंगे। ये सब हमने पाँच महीना पढ़ा भैया पाँच महीना मात्र पाँच महीना सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मात्र पाँच महीना पढ़ा है पाँच महीना में बस इतना चीज किए है और तब क्या सकते हैं तो आपके पास अभी टाइम है थोड़ा भैया आपके टाइम है क्यों नहीं ला सकते टॉप करेंगे आप लोग केवल मेहनत कीजिए जितना करो उतना फॉलो कीजिए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिए। एकदम मेहनत लग जाना है यार कहे ना एकदम बिल्कुल बड़ा टारगेट लेकर चलना है एकदम आएगा आएगा बड़ा टारगेट लेना है ताकि हम उसके लिए बड़ा एफर्ट करें और बड़ा एफर्ट न कर सके तो कुछ कदम पीछे रहेंगे लेकिन उतना पीछे तो नहीं रहेंगे ना। तो बड़ा टारगेट लीजिए और मेहनत कीजिए उस हिसाब से और होगा लेकिन मेहनत करना पड़ेगा हर एक चीज में एक चीज कॉमन है वो यानी कि समझ लीजिए हर एक यानी क्या कहे कि मेहनत हर एक हाल में करना पड़ेगा इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप न कीजिएगा बहाना बनाइएगा तो वो तो अलग बात हो गया बिका मतलब उसमें हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते तो लेकिन आपको हम बताते हैं अच्छा से लाना है रिजल्ट तो मेहनत करना पड़ेगा ये कोई इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। थोड़ा सा अकेलापन रहिए थोड़ा सा खुद को इस लाइन में बात करने के प्रयास कीजिए थोड़ा सा हाँ पढ़ाई एकदम पढ़ाई में पड़ जा एकदम आप फॉलो खा रहे हो जितना मोबाइल में दो चार ऐप बता दे ऐप के डाउनलोड करा हाँ अच्छा पोली बहुलक है बहुलक नाइलोन सिक्स सिक्स अच्छा प्राकृतिक पोलीमर मोबाइल में खाना खा रहा है कोई चल रहा तो थोड़ा सा छः महीना अपने आके एकदम पूरी तरह से डेडिकेटेड कर दो भाई कि ताकि आपका एकदम बिल्कुल से बेहतर रिजल्ट बन सके। बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट मायने रखता है भैया ये नहीं कहता है कि आपको भले रिजल्ट मायने रखता है जरूर रखता है आप जो वो हटाइए ना आप कितना कहेंगे भैया रिजल्ट मायने रखता है रिजल्ट मायने रखता है बहुत चीज़ में रिजल्ट मायने रखता है आप टेंशन मत लीजिए ठीक ना। आप लोग आते हैं अब हमको मान लीजिए अब अभी आप थोड़ा आप मेहनत कीजिए और अभी आप एकदम पूरा मेहनत कीजिए और हम भी आप लगातार अब नया सेटअप बना लिए और खुद आप लोग के लिए तो बहुत सबसे पहले तो आप लोग बहुत सपोर्ट किए इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद और जल्दी से दो के सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए और आप लोग के लिए भी गेस्ट पेपर ला रहे हम भी लगातार मेहनत कर रहे हैं देखिए हमें ऑफलाइन कोचिंग हम भी हमारे अपने ऑफलाइन कोचिंग में आप लोगों को वीडियो बना रहे ठीक ना। तो ऑफलाइन कोचिंग देखना रहता है फिर हमारे पास खुद अपना टाइम देना पड़ता है फिर आप लोगों को टाइम देना पड़ता है तो थोड़ा सा कभी कभी वीडियो नहीं जा पाता इसके लिए थोड़ा सॉरी भाई और लेकिन पूरा हम डेली प्रयास करते हैं और आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा बना रहा है और जल्दी से सपोर्ट इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखिएगा ठीक ना। और पूरा हम प्रयास करते हैं और हम देखिए और फिर से और हम भी फिर एक नए यानी कि आप लोग भी मेहनत कीजिए हम भी मेहनत कर रहे हैं और उसके साथ साथ अच्छा तो रिजल्ट ऐसे करेगा आप लोग भी बेहतर रिजल्ट लाइए हम भी हम थोड़ा सा अपना तैयारी में लगे हुए हैं और फिर आप लोगों से मिलेंगे फरवरी मार्च 2025 में फिर आप लोग एक कॉम्पिटिशन के एक नए यूट्यूब चैनल पर फिर आप लोग से मिलेंगे। इतना बेहतर तैयारी कीजिए कि एकदम लास्ट टू लास्ट तक आप लोग से कनेक्शन बना रहे और एकदम बढ़िया तैयारी कीजिए भैया आप लोग डिमोटिवेट नहीं होना है कुछ भी एकदम पढ़िए मेहनत कीजिए मेहनत करने वाला ही एकदम यानी कि ये पाँच महीना में समझिए 450 समझ रहे पाँच महीना में पूरा एकदम यानी कि कहे ना पाँच महीना कुछ नहीं मुझे मोहम्मद पहले बता चुके हैं कि भैया देखिए हमारा जो पढ़ाई बिगड़ना ज़्यादा क्रिकेट के चलते बिगड़ा सितंबर तक किसी प्रकार मान लीजिए इधर तो खेलते रहे इधर उधर टाइम पास ये तो सब डिस्ट ये आपका भी होता होगा मालूम है लेकिन आपके पास अभी भी समय है हम आ गए ना आप लोगों को थोड़ा संभालने के लिए बता रहे थे अभी भी आपके पास समय है हम लोग थोड़ा मान लीजिए हम लास्ट में खुद चलकर एकदम थोड़ा सा अपना कर लिए लेकिन अभी तो आपके पास टाइम है ना हम तो अब सितंबर से करना चालू सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एकदम पाँच महीना गर्रा उड़ा के एकदम कुछ नहीं होता पता है कौन है यार कहाँ जाना है कोई होता पता है कौन क्रिकेट खेलना चलना कुछ हो ना पाँच महीना बस अपने आप को डेडिकेट करिए पाँच से छः महीना और बेहतर के रिजल्ट देखेंगे और रिजल्ट के दिन खुशी होती है भैया हम मानते हैं खुशी होती है जो अगर आपके अगल बगल में जो पढ़ रहा होगा ना वो आपको खुशी होती है इस बात घमंड नहीं होता है कि भैया इतना नंबर लिया है नहीं नहीं घमंड नहीं इस बात की खुशी होती है कि हमने दूसरों से अच्छा किया बस इस बात की खुशी होती है ये बात पर जरूर है ठीक ना। तो ये बात है और आपको बहुत ही अच्छा है रिजल्ट कुछ मायने नहीं रखता ऐसा बात कभी बहुत मत बोलिएगा बोलेगा उसे आप ऐसा बोलने दीजिए कोई बात नहीं रिजल्ट बहुत ही मायने रखता है आप लोगों आपको यानी कि आप जब रिजल्ट आ जाता है ना उसके बाद मालूम चलता है क्या है ठीक ना। रिजल्ट आने के बाद गर्व रहता है तो सब ये कहता है कि हो गई थोड़ा कम पैसा ना 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 ना
टेंशन ना ला। और तो बेहतर तू बेहतर अपना अपना रिजल्ट के लिए सोचा, सब अपना अपना सोच रहा है, मेहनत करा, लेकिन मेहनत ना करवा तो कुछ प्राप्त ना हो सकता। तो मेहनत करा तो निकले बनावे के लिए बताने के लिए थोड़ा सा बताइए भैया क्या करेंगे, याद करेंगे लिए पाँच गो बताओ, याद करेंगे लिए सबसे पहले अपना कॉपी का पूरा देख लिया भैया, और बाद हम सौ कोर्स डेली पढ़ा भैया पूरा हम तैयार कर हिंदी इंग्लिश मीडियम में दे रहे थोड़ा टाइम था, और बाद कथी की देर छोटे टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड करा, और बाद दीवार पर साथ प्लीज भैया एकदम पढ़ना चालू कर दीजिए, हम आपके पास एकदम बहुत बड़ा बहुत ही कम समय भैया एकदम बिल्कुल पढ़ना चालू कीजिए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिए, और अच्छा रिजल्ट आएगा भाई, आप मेहनत कीजिएगा अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं, और फिर मिलेंगे, और देखिए रिजल्ट आएगा ना उस दिन सबसे खुशी होती है, बहुत कहते हैं बहुत ज़्यादा खुशी होती है, घमंड नहीं होता है कि हमने बहुत ज़्यादा रिजल्ट लिया है, ना घमंड ना, बल्कि एक गर्व महसूस होता है, यानी गर्वान्वित महसूस होता है कि भैया हमने दूसरों से अच्छा किया है, ये बात है जरूर, और इस उस दिन मालूम चलता है कि वास्तव में जो मेहनत करता है ना उसके लिए जितना मेहनत कीजिएगा उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है, ये बात उस दिन आपको रियलाइज होगा, ठीक है ना, अभी आप जितना मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा 110% है, ठीक है, हमने भैया पाँच महीना मेहनत किया, पाँच महीना जितना मेहनत किया उसके हिसाब से रिजल्ट आया, अगर हम भी शुरू से पढ़ रहे तो होता शायद कुछ होता, हम तो इंग्लिश मीडियम से आप लोग हिंदी मीडियम से होंगे ना, अंग्रेजी मीडियम से हिंदी मीडियम से कोई दिक्कत नहीं, आप तो इंग्लिश मीडियम से, हम तो इंग्लिश मीडियम से थे, आप पाँच महीना में गर्व इंग्लिश मीडियम से पांच महीना में गर्दा उड़ा दी, आप समझ रहे हैं ना, तो इसलिए आप तो हिंदी मीडियम होंगे, हिंदी मीडियम वालों को और भी आसान होता होगा, एकदम गर्दा उड़ा दी, एकदम टॉप आ रहा है ना, हौसला इतना हौसला यानी कि एकदम लक्ष्य रखिए हौसला को पाने के लिए, सपने तो सब देखते हैं यार दूसरों को बताने के लिए, तो वही बात हम कह रहे हैं हौसला एकदम रखिए, लक्ष्य को पाना है तो पाना है, टॉप आना है तो टॉप आना है।